आज जो प्रमेय हमको सिद्ध करनी है वो है व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो प्रमेय में है व्रत की बराबर जीवाएं, तो ये ओ केंद्र वाला कोई व्रत है और इसकी बराबर जीवाएं ए बी है और पी क्यू है। ए बी और पी क्यू की लंबाई कैसी बराबर दी गई है, हमको बोला व्रत की बराबर जीवाएं, तो ये ए बी और पी क्यू की लंबाई कैसी बराबर है हमको दिया गया है। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये जीवाएं जो हैं वो केंद्र ओ पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो कोण कैसे बनेगा, हमने ओ को ए से मिला दिया, रचना करते हैं, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, तो ये जो कोण बना ये केंद्र पर कोण बन गया ए ओ बी। इसी तरह सिद्ध करने की रचना ये करते हैं, पी को ओ से मिलाया और क्यू को ओ से मिलाया, तो यहां पर केंद्र पर ये कोण बना पी ओ क्यू। तो हमको दिया गया है ओ केंद्र वाला एक व्रत ए बी क्यू पी है, केंद्र ओ है, ए बी क्यू पी एक व्रत है जिसकी समान जीवाएं ए बी और पी क्यू समान जीवाएं हैं, इनकी लंबाइयां समान है, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमको दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है कि जीवा ए बी के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी है और जीवा पी क्यू के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है पी ओ क्यू है, ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है। तो सिद्ध करना है हमको कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू, ये वाला कोण इसके बराबर हमको सिद्ध करना है। और रचना क्या की थी हमने, हमें समान जीवाएं ए बी तथा पी क्यू दी गई थी, हमने क्या किया रेखाखंड ओ ए ओ बी ओ पी और ओ क्यू खींचा था, तब ये केंद्र पर जाकर कोण बना था। तो रेखाखंड ओ ए ओ बी ओ पी तथा ओ क्यू खींचते रचना की। हम इसका प्रूफ जानते हैं, सत्यापन करते उपपत्ति करते हैं। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी ये वाला और त्रिभुज पी ओ क्यू या पी क्यू ओ बोल सकते हो या ए बी ओ बोल सकते हो। तो हमें दो त्रिभुज ले लिए, एक ये वाला त्रिभुज दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ओ बी तो दो त्रिभुज ले लिए हमने, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू, हमें इन दो त्रिभुजों को सर्वांग समसित करना है और इसकी तीन कंडीशन है, कोई एक फुलफिल हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। पहली कंडीशन है दो त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं बराबर हो जाए, या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। देखते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। ओ ए ओपी के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसे समान होती है, केंद्र ओ को परिधि तक खींचा गया रेखाखंड ओ ए है, तो ओ ए बराबर ओपी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह ओ बी ओ क्यू के बराबर है, तो ओ बी इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी हो गई और इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ क्यू होगी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें दिया गया था ए बी बराबर पी क्यू, ये हमको दिया गया था, तो हमने तीन चीज सिद्ध कर दी, हमने दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू। कौन कौन किस प्रमेय, भुजा 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 सर्वांगसमता प्रमेय के अनुसार जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो तीन भुजाएं तो हमने बराबर कर दी, तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांगसम यानी सभी अंग समान होते दो त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों में तो सभी अंग समान होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यही सिद्ध करना था ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो प्रूफ कर दिया हमने कोण ए ओ बी
बराबर कोण पीओक्यू।